कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके खाद तेल बाजारों की जानकारी के साथ मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हुआ इसकी जानकारी आपको देंगे, जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रैन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, साथ ही साथ कांडला पोर्ट, इंटरनेशनल बाजारों में सीबॉट की क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तो जो लोग पहली बार हमारे साथ चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। और आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो मॉर्निंग 9:30 का शो जरूर ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सोया ऑयल के बाजारों में किस तरीके से कामकाज हुआ। सोया ऑयल का बाजार अगर बात कर लिया जाए तो सोया ऑयल का बाजार 103 रुपए पे कल बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया, जो बाजार 102 रुपए तक नीचे में चला गया था। कल सोया ऑयल 103 रुपए, क्योंकि विदेशी बाजारों में जोरदार तेजी रही, उसका असर बाजारों में देखने को मिल रहा। सोया और पामोलिन अपने न्यूनतम स्तर पर, यहां से बाजारों में आप निम्न स्तर से आप बाजारों में एक रिकवरी बाजारों में देख के चल सकते हैं। पामोलिन की अगर बात करेंगे, पामोलिन का भाव भी 97 रुपए से बढ़कर 98 रुपए बोला गया। राइस ब्रैन ऑयल में जोरदार तेजी दिखी, राइस ब्रैन ऑयल का भाव 86 रुपए वाला सीधे 90 रुपए तक बाजारों में कामकाज रहा। मस्टर्ड ऑयल की अगर बात करेंगे तो 105 रुपए वाला मस्टर्ड ऑयल 106 रुपए रहा। सोयाबीन सीड का बाजार 5520 रुपए में बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में नजर आया। कांडला पोर्ट की अगर स्थिति की जान लेते हैं, कांडला पोर्ट में क्रूड पाम ऑयल का भाव 890 रुपए, फॉरवर्ड की अगर बात करेंगे तो 895 रुपए रहा। पामोलिन का भाव 945 रुपए, इसमें भी आप निचले स्तर से अगर देखेंगे 2 रुपए किलो की पामोलिन में तेजी देखी गई। सोया रिफाइंड का भाव 1010 रुपए, सोया डिगम का भाव 925 रुपए रहा, फॉरवर्ड में 920 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का भाव भी 1 रुपए किलो बढ़कर अगर बात करेंगे तो 1050 रुपए बाजारों में कामकाज हुआ। अगर बात करी जाए कल आयातित खाद तेलों की, अगर बात करी जाए तो आयातित खाद तेलों की कीमतों में तेजी आने के बावजूद घरेलू बाजार में मंगलवार के दिन आप देखेंगे लगातार दूसरे दिन सरसों के दाम में स्थिर बने रहे। विदेशी बाजारों में तेजी का असर घरेलू बाजारों में कोई खास नहीं पड़ा। जयपुर में कंडीशन सरसों का भाव 5550 रुपए प्रति क्विंटल पूर्व स्तर पर ही बाजारों में बने रहे। इस दौरान सरसों की दैनिक आवक घटकर लगभग 12.50 लाख बोरियों की हुई। व्यापारियों के अनुसार घरेलू बाजारों में सरसों तेल मिलों की खरीद सीमित बने रहने से दाम स्थिर बने हुए हैं। उत्पादक मंडियों में सरसों की दैनिक आवक बराबर बनी हुई है, इसलिए सरसों के भाव में हल्का सुधार तो आ सकता है, लेकिन लंबी चौड़ी की तेजी की संभावना अभी नहीं नजर आ रही है। विश्व बाजार की अगर बात करी जाए, ग्लोबल बाजार की, तो आज खाद तेलों की अगर कल की बात करी जाए तो खाद तेलों में कीमतें दर्ज करी गई, जिससे घरेलू बाजारों में सरसों की कीमतों में हल्का सा सुधार आया। जानकारों के अनुसार गर्मियों का सीजन शुरू होने के कारण सरसों तेल में मांग आगामी दिनों में आने वाले समय में आपको कमजोर होती हुई नजर आएगी। जयपुर में अगर सरसों तेल कच्ची घानी एक्सपेलर की कीमतें अगर मंगलवार को बात करी जाए तो लगभग 2-2 रुपए किलो तेज होकर भाव क्रमशः 1060 रुपए से 1050 रुपए प्रति 10 किलोग्राम बोली गई। कोलकाता में कच्ची घानी सरसों के तेल के दाम 1170 रुपए, मुंबई में एक्सपेलर का दाम 1070 रुपए प्रति 10 किलोग्राम के हिसाब से स्थिर बनी रही। चलिए अब जान लेते हैं कि हिसाब से बाजारों में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं। तो केएलसी आपको बता देते हैं, केएलसी कल जोरदार तेजी के साथ 154 रिंगिट की केएलसी में बड़ी तेजी देखी गई। सीबॉट का बाजार भी 80 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। आज केएलसी जो बाजार ओपन हुआ है 11 रिंगिट की पॉजिटिव ओपन हुई है। तो बाजारों में निचले स्तर से आप धीरे धीरे बाजारों में रिकवरी देखेंगे, बाजारों में लंबी चौड़ी उतार चढ़ाव की आशंका नहीं है। चलिए अब जानेंगे सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल। सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 102 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 104 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 97 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 99 रुपए, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 89 रुपीज, रेजिस्टेंस का लेवल 91 रुपए देखा जा रहा है। इसी तरीके मस्टर्ड सीड की अगर सपोर्ट की बात करी जाए, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5800 रुपए के आसपास है। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 5500 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 5700 रुपए। तो वरिष्ठ जानकारों के अनुसार ओवरऑल आउटलुक ट्रेंड अपने बाजार न्यूनतम स्तर पर, बाजारों में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आगे आने वाले समय बाजारों में हल्की फुल्की बाजारों में आपको रिकवरी बाजारों में दिखाई देके चल सकती है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट्स 24।